ट्रेन कोच हाउस। एक गांव में कन्नालाल नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो रेलवे में टिकट कलेक्टर के तौर पर नौकरी किया करता था। एक दिन कन्नालाल का बेटा विवेक, पिताजी हमारे पास इतनी जायदाद है ना, आप अभी क्यों वो टिकट कलेक्टर की नौकरी पर तुले हो? जो आपको तनख्वाह मिलती है वो कम से कम हमारे घर के स्विमिंग पूल को मेंटेन करने के लिए भी काफी नहीं है। हमारा व्यापार इनके उनके ऊपर छोड़कर इतनी छोटी नौकरी करते हुए दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हो? यूं कहा कन्नालाल, हमारे बारे में बिना जाने कुछ बात मत करो। हमारे पूर्वजों से हमें ये सब पैसा मिला है। हमारे पास जो पैसे हैं उसे कोई इज्जत नहीं देते रे। हमारे हाथ में जब अधिकार होता है तो उसे गर्व महसूस होता है। हमारे दादाजी बहुत अच्छे से पढ़ाई करके ब्रिटिश के जमाने में रेलवेज में जनरल मैनेजर के तौर पर काम किए, तब ही गांव में उनकी इज्जत बढ़ी। उनके गुजरते वक्त घर में हर कोई रेलवे में कोई ना कोई नौकरी करना ही होगा, ये वचन लिए थे। उसके हिसाब से ही मेरे पिताजी रेलवे में इंजीनियर के तौर पर काम किए। मेरी ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई इसलिए मैं रेलवे टिकट कलेक्टर बना। तुम्हें भी रेलवे में कोई नौकरी को प्राप्त करना होगा। विवेक सर पकड़ लिया। कुछ दिन बीत गए। कन्नालाल रोज रोज परेशान होते जा रहा था। तब विवेक, आपको क्या हुआ पिताजी, क्यों रोज रोज ऐसे परेशान होते जा रहे हो? कन्नालाल, कैसे बताओ, समझ नहीं पा रहा हूँ रे। तुम इतना प्रयत्न करने पर भी तुम्हें रेलवे में नौकरी नहीं मिली। एक समय में ऑफिसर एक बात बोले तो बस नौकरी दे देते थे, फिर कुछ पैसे के मदद से नौकरी मिलती थी। अब रूल्स पूरे स्ट्रिक्ट हो गए हैं। मैं एक छोटा टिकट कलेक्टर हूँ, तुम्हारी नौकरी के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इतने पैसे देने पर भी तुम्हारे लिए एक छोटी नौकरी नहीं ला पा रहा हूँ। जल्द ही रिटायर होने वाला हूँ इसलिए परेशान हूँ। यूं कहा विवेक सर पकड़कर, पिताजी और किस जमाने में हो, तब के जमाने में रेलवे की नौकरी महान होती होगी, लेकिन अब उसके बारे में कोई नहीं सोचता। रेलवे की नौकरी यानी आजकल एकदम आम बात है। मैं विदेश में MBA इसलिए नहीं किया कि आपके दादाजी के ख्वाहिश के हिसाब से रेलवे में कोई क्लर्क की तरह काम करके जिंदगी गुजारने के लिए नहीं। मेरे बारे में आप कुछ फिक्र मत कीजिए। यूं कहा कुछ दिनों बाद विवेक फिर विदेश चले गया। एक दिन विवेक की माँ अंजलि विवेक को फोन मिलाकर, बेटा तुम्हारे पिता की हालत देखकर मुझे डर लग रहा है, तुम जल्दी आ जाओ, यूं बोली। विवेक लौटकर आया तब तक कन्नालाल बिस्तर पकड़ लिया। विवेक, क्या हुआ पिताजी, तुरंत हमारे फ्लाइट टिकट्स बुक कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ चलो, अच्छे से इलाज कराऊंगा। वैसे हालत इतनी बिगड़ने के पहले आप क्या कर रहे थे? यूं पूछा अंजलि। रे ये सेहत से संबंधित समस्या नहीं है रे, मानसिक समस्या है। रिटायर हुए दिन से आज तक एक दिन भी नहीं सोए। आज 2 महीने पूरे होकर 10 दिन हुए, ऊपर से तुम्हें नौकरी नहीं मिली, इस बात की फिक्र सता रही है। विवेक, मुझे 2 दिन का टाइम दो माँ। 2 दिन के बाद विवेक, पिताजी पिताजी एक बार बाहर आओ, कहकर कन्नालाल को बाहर ले गया। घर के बाहर कुछ देखते ही कन्नालाल बहुत खुश हो गया। घर के बाहर एक ट्रेन कोच था, उस पर एक घर था। विवेक स्टेशन मास्टर के यूनिफॉर्म में था। कन्नालाल खुशी से उस ट्रेन कोच में बैठा। पूरी ट्रेन कोच, उस पर घर, सब देखकर एक बर्थ पर लेटकर कुछ ही क्षण में सो गया। अंजलि, रे इतनी नींद की दवाई लेने पर भी सो नहीं पा रहे थे, तुम्हारे पिताजी वैसे में इस ट्रेन कोच में कितनी खुशी से सो गए देखो, यूं बोली। कन्नालाल 2 दिन के बाद नींद से जागा। विवेक से, रे मेरी पूरी फिक्र क्षण में दूर कर दिए रे। तुम रेलवे नौकरी पर नहीं जॉइन किए तो भी चलेगा, तुम मुझे यूनिफॉर्म में दिखते ही मेरी पूरी परेशानी दूर हो गई। मुझे हर दिन कुछ देर बस ये यूनिफॉर्म में दिखो, यूं कहा। उस दिन से विवेक रात को स्टेशन मास्टर का यूनिफॉर्म पहनता था। कन्नालाल उस ट्रेन कोच हाउस में जाकर खुशी से नींद लेने लगा। कुछ दिनों में कन्नालाल ठीक होकर स्वस्थ हो गया। विवेक अंजलि बहुत खुश हुए।